हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 104 फ़ारेनहाइट चैनल पे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी हद तक असामान्य है। उसका कारण यह है कि जहाँ एक ओर हमें औरतों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में सुनने को मिलता है, वहीं उससे उलट इस देश में औरतों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिसको सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाइजीरिया देश की। अफ्रीका के पश्चिम में बसा एक देश है नाइजीरिया। यूनाइटेड किंगडम से 1 अक्टूबर 1960 को नाइजीरिया को स्वतंत्रता हासिल हुई थी। नाइजीरिया आबादी के मामले में अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला और दुनिया का 7वें नंबर का आबादी वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, मगर सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिम और ईसाई धर्म का पालन करती है। यहाँ मुसलमानों की संख्या सऊदी अरब से भी ज़्यादा। यहाँ 520 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी आधारिक तौर पे और कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर लागोस है। यहाँ की करेंसी नाइजीरियाई नायरा है। इंडिया के 1 रुपये यहाँ के 5 रुपये 13 पैसे के बराबर होते हैं। नाइजीरिया के एग्बो ओरा शहर में दुनिया में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इसीलिए इस शहर को जुड़वा बच्चों के घर के नाम से भी जाना जाता है। इस देश की फिल्म इंडस्ट्री को नॉलीवुड कहा जाता है, जो भारत की बॉलीवुड के बाद सबसे ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस करने के मामले में दुनिया के 2रे नंबर पर आता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्रोत कच्चा तेल है। नाइजीरिया के पास कच्चे तेल के भंडार हैं। यह रोजाना 2.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है। नाइजीरिया में रहने वाले निवासी या तो अमीर होते हैं या बहुत गरीब होते हैं, यहाँ मिडिल क्लास नहीं होते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में ये काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। नाइजीरिया में सैकड़ों जनजातियां हैं जो बहुपतित्व को भी अनुमति देती हैं, मतलब एक औरत कई शादियां कर सकती है, उसके एक से अधिक पति हो सकते हैं। उत्तरी नाइजीरिया के इरकवे में सहपतियों नामक प्रथा का चलन है। इस प्रथा में औरत को शादी से पहले कई पतियों के साथ रहने का अभ्यास कराया जाता है। शादी के बाद औरत अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पति के साथ रह सकती है। जिस समय महिला जिस आदमी के घर रह रही होती है, उस आदमी को उस बच्चे की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसी तरह की एक और जनजाति है तुआरेग। नाइजीरिया एक ऐसा देश भी है जहाँ पर महिलाएं जबरदस्ती पुरुषों के साथ संबंध बना सकती हैं। नॉर्थन नाइजीरिया की तुआरेग जनजाति में ऐसा होता है। इन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। ये औरतें बेखौफ घूमती हैं, जबकि यहाँ के मर्द पर्दे में रहते हैं। यहाँ की औरतों को विशेष अधिकार प्राप्त होता है। ये शादी के बाद किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बना सकती हैं, यहाँ तक कि ये जबरदस्ती भी संबंध बना सकती हैं। यह औरतें जब चाहें अपने पति से तलाक ले सकती हैं। वह यहाँ की लड़कियों को शादी से पहले किसी भी अन्य लड़की से संबंध बनाने की आज़ादी होती है। यहाँ के मर्द महिलाओं की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। इस तरह की और भी अनेक जनजातियाँ हैं जहाँ महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, इस देश के नियम सही हैं? इस तरीके के अधिकार महिलाओं के लिए कितने सही हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।